नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल HP फ्रॉम HP में। तो आज वीकेंड है तो मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही कुछ अच्छा बनाया जाए और जो इजली बन जाए और जल्दी बन जाए, क्योंकि आजकल पैंडेमिक के वजह से भी बाहर तो उतना जा नहीं सकते हैं। और घर पे एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि हमें खुद पता है कि हम कितनी हाइजीन को ध्यान रखते हुए हम बना रहे हैं। तो आज मैं जा रही हूँ बनाने ब्राउनी। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रीडियंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास कर्ड है, ये आलमंड्स है, ये वनीला एसेंस, कोको पाउडर, चॉकलेट कंपाउंड, ये बटर क्यूब्स है, रिफाइंड फ्लावर, एंड दिस वन इज आइसिंग शुगर, एंड दिस इज वॉलनट्स, और ये हमारे पास मिल्क है। तो सबसे पहले हमें करना होगा चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट। तो उसके लिए हम कर रहे हैं डबल बॉइलिंग मेथड का यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं जो चॉकलेट कंपाउंड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। जो चॉकलेट कंपाउंड है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत ही इस तरह से। तो अब इसमें डालने जा रहे हैं हम बटर। तो मैं 4 क्यूब्स डालूंगी, 2, 3 एंड 4, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अनस्वीटेंड कोको पाउडर, इट इज ऑलमोस्ट 2 स्पून्स, मैदा। तो जो मैदा है वो 200 ग्राम ले रहे हैं, एंड दिस इज आइसिंग शुगर, दिस 1 बॉल। तो हमने 100 ग्राम शुगर डाल दी है। अब डालेंगे बेकिंग पाउडर, ये 1 टेबलस्पून है। तो हम इसको अच्छे से पहले छान लेंगे। तो अब लिक्विड इंग्रेडिएंट में हम करने जा रहे हैं ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स। तो अब धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे, जैसे मैं 1/4 पहले डाल दूंगी। इसको मिक्स करें इस तरह से। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा मिल्क कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो मैंने ड्राई जो पूरा इंग्रेडिएंट्स थे मैंने डाल चुकी हूँ। अब डालेंगे हम इसमें 2 स्पून ऑफ कर्ड। तो एक बात ध्यान में रखिए कि ये दही खट्टी ना हो। हम इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। तो आई थिंक इसको बड़े बॉल में डाल के अच्छे से विस्क होगा, तो हम इसको बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी डाल सकती है, जैसे मैं ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स डाल रही हूँ और वॉलनट्स डाल रही हूँ। और अब डालेंगे हम इसमें वनीला एसेंस, ये 4-5 ड्रॉप्स इज इनफ। जैसे कि आप देख ही सकते हैं जो बैटर था उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बन चुकी है, या आप इस चीज़ से पता लगा सकते हैं। जब केक मोल्ड है हम उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। आप इसको ग्रीस घी या फिर बटर से कर सकते हैं, मैं अभी बटर का उपयोग कर रही हूँ।
सेकंड पॉइंट है कि इसमें आप थोड़ा सा मैदा ऊपर से डस्ट कर दीजिए, और जो मैंने ये ओवन है इसको मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट कर चुकी हूँ 5 मिनट के लिए। अब इसमें हम डालेंगे बैटर अपना। तो बैटर को सबसे पहले मैं केक मोल्ड पे ट्रांसफर कर रही हूँ। तो अब इसको गार्निश करेंगे विद वॉलनट्स एंड आलमंड्स। अब इसको डालेंगे हम प्रीहीट ओवन में और टाइम में रहेगा 10 मिनट। तो 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब चेक करने जा रही हूँ मैं कि जो ब्राउनी है वो पकी है कि नहीं। इससे पहले मैंने 10 मिनट पहले चेक किया था तो तब तक बिल्कुल नहीं पकी थी। अब मैं देखती हूँ कि पकी है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक। आप टूथपिक भी ले सकते हो या जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो चलो चेक करते हैं। पक चुका है, प्रूफ ये है। अगर इसमें थोड़ा भी स्टिक होता है बैटर तो इसका मतलब है कि वो पका नहीं है। अब इसमें कुछ नहीं है तो मतलब पक चुका है। तो चलो बाहर निकालते हैं इसे। तो हमारी ब्राउनी रेडी हो चुकी है। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। चलो मैं भी कट करती हूँ और प्लेटिंग करती हूँ। सो नाउ आवर ब्राउनी इज रेडी, सो लेट्स टेस्ट इट। अच्छा, तो मैं इसको 10 out of 9.5 दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।